गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं मैंगो से बनने वाली एक स्पेशल सी रेसिपी है। हमने कच्चे मैंगो लिए हैं, इनको हमने पील कर लिया है और इन मैंगोज को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। ये देखिए, इनको प्रॉपर छीलना बहुत ज़रूरी होता है और हमने इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना स्टार्ट कर दिया है। आप लोग भी इसको रफली चॉप करना है, इसका कोई साइज़ या कोई शेप नहीं देना है। आप इसको रफली छोटे बड़े जैसे भी चाहें वैसे टुकड़ों में इसको शेप दे सकते हैं। हमने यहाँ पर सारे मैंगो को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिया है और ये मैंगो जो देसी मैंगो हैं इनको क्या है, ये जो होते हैं ना बहुत ही खट्टे होते हैं, इसीलिए इसमें चीनी या गुड़ जो भी होता है थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जाता है। हमने यहाँ एक पैन लिया हुआ है जिसमें थोड़ा सा ऑयल लिया हुआ है, ऑयल में डाला है हमने सौंफ, सौंफ को भुनना है और उसमें डाल दिया हमने मैंगो के पीसेस। अब हमें इसको थोड़ा सा हमने चलाया है, इसमें हल्दी पाउडर एक चम्मच, एक चम्मच हमने डाला है लाल मिर्च पाउडर और इसमें डाला है हमने एक चम्मच धनिया पाउडर। और इसको डालने के बाद हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करने वाले हैं और इसकी इस समय हम इसकी जो फ्लेम है उसको लो रखेंगे जिससे हमारी कोई भी मसाले जले ना और अच्छे से भुन जाए और एक अच्छा सा फ्लेवर दे। इसको हमने अच्छे से भून लिया है, देखिए अच्छे से चलाना है और अच्छे से ही भुनना है। इसके भुन जाने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। देखिए हमने इसमें पहले हमने इसमें नमक ऐड किया है और नमक ऐड करके हम थोड़ा सा और चलाएंगे। नमक जो होता है ना वो जल्दी पकाता है और इसमें हमने डाल दिया है पानी। पानी हम अपने हिसाब से डालेंगे, हमको कितनी थिक चाहिए। और ये देखिए इसमें हमने पानी ऐड कर दिया है और इसको हम 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। यहाँ हमने लिया है गुड़, गुड़ को बारीक टुकड़ों में काट लिया है। बारीक टुकड़ों में काटने के बाद हम सबसे पहले अपनी सब्ज़ी को चेक करेंगे, इसमें जो मैंगो के जो पीसेज हैं वो गल गए हैं या नहीं, क्योंकि अगर ये नहीं गलेंगे तो चीनी या गुड़ डालने के बाद ये पकते नहीं हैं, इसीलिए हमें इसको पहले ही प्रॉपरली पकाना होता है। और ये देखिए ये हमारे मैंगोज के टुकड़े पक चुके हैं। हमने इसको एक टुकड़े को नहीं, हमने कई टुकड़ों को चेक किया है। आप भी इसी तरीके से चेक करें, क्योंकि कुछ मोटे टुकड़े होते हैं ना उनको चेक करें, क्योंकि अगर वो पक गए होंगे तो बाकी टुकड़े तो अपने आप ही पक जाएंगे। इसीलिए हमने इसको चेक कर लिया है, ये प्रॉपर पक चुका है। अब हम इसमें गुड़ को ऐड करेंगे। हमने गुड़ ऐड कर दिया। गुड़ का जो टेस्ट होता है ना आम की सब्ज़ी में बहुत ही यम्मी आता है और कुछ लोग गुड़ कम खाते हैं, किसी की बॉडी को गर्मी ज़्यादा होती है तो वो क्या इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। दोनों चीज़ 50-50 डालें तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और हम इसको देखो ये एक अच्छी सी उबाली आने लगी है, मैंने यहाँ काला नमक ऐड कर दिया है। और अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप इसमें भुना जीरा ज़रूर ऐड करें, मैंने नहीं किया है तो आप इसमें ज़रूर ऐड करें। और ये देखो इसको हम तब तक इसको गलाएं इसी तरीके से लो फ्लेम मीडियम फ्लेम पे चलाएंगे तब तक के गुड़ हमारा गल ना जाए। अभी देखो गुड़ गला नहीं है, आपको दिख रहा होगा, तो हम तब तक इसको कुक करेंगे जब तक कि गुड़ प्रॉपर इसमें मेल्ट ना हो जाए। मेल्ट होने के बाद हम 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। देखिए हमारा लौंजी लगभग तैयार हो चुकी है, देखिए एक प्रॉपर, ये देखिए अब मेरी बनके लौंजी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। ये मुझे जिस तरीके से इसकी थिकनेस चाहिए थी वो मुझे मिल गई है, देखिए। और मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है इसकी फ्लेम को और देखिए ये प्रॉपर तैयार हो गई है। अब हम आप अपने घर में डिनर हो या लंच हो, एक कटोरी में हाफ कटोरी ये सब्ज़ी होनी ही चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।